ये देखिए गाइस, रसगुल्लों की तरह बिल्कुल हमारे आंवले के मुरब्बे कितनी टेस्टी लग रहे हैं, देखने में ही मनोरा खा ले। तो चलिए देखते हैं कि ये हमने कैसे बनाए हैं छोटे छोटे आंवले के रसगुल्ले। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए, ये है आंवला जो कि हम आंवले का मुरब्बा बनाने जा रहे हैं आज। तो देखिए गाइस, जो इस टाइप के है आंवले वो खराब हैं तो उनको हम अलग हटा देंगे, नहीं तो अचार हमारा खराब हो जाएगा। और जो ये थोड़े बहुत हैं इनको हम कट करके अलग निकालते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और एक फॉक की सहायता से इसमें हम छेद करेंगे। देखिए, धो के अच्छे से निकाल लिया है पानी से। और गाइस एक बात और, छेद अंदर तक करिएगा और पास पास, क्योंकि इसमें चाशनी अंदर जानी चाहिए। और थोड़ा सा सावधानी से करें नहीं तो चोट लग सकती है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं सारे छेद, फिर मिलते हैं आके आपसे। ये देखिए गाइस, सारे में छेद हो चुका है, ठीक है, अच्छे से। तो इसको ऐसे करेंगे, सारे कर लेंगे ऐसे, फिर मिलेंगे। देखिए सारे गाइस आंवलों में छेद हो चुके हैं, तो इनको अब हम डालेंगे थोड़ा सा बॉयल पानी में। तो चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, हमारा पानी बॉयल हो रहा है। तो इसमें अब हम अपने आंवले डाल देंगे अच्छे से, सारे के सारे। ये देखिए गाइस, हमने डाल दिया है आंवलों को। तो एक खौल आने देंगे, उसके बाद में इसको बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे फिटकरी। ये देख सकते हैं गाइस, बबल्स आने लगे हैं इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंवला लगभग उबलने वाला है। तो ये एक फिटकरी है, हम डाल देंगे। ये पंचून की दुकान पर मिल जाती है, आप फिटकरी कहकर मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें अब एक अच्छा सा उबाल आने देंगे, और अच्छा सा उबाल आने के बाद में फिर इसको हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इसको अभी ढकते हैं, अच्छा सा उबाल आने देते हैं। ये देखिए गाइस, बॉयल आने लगा है। तो इसको एक मिनट तक पकाएंगे, फिर छोड़ देंगे। ये देखिए गाइस, अच्छे से बॉयल आ गए हैं। तो एक बार हम ऐसे चला देंगे इसको। और अब क्या करेंगे, हम इसको ढक देंगे और फ्लेम को कर देंगे बंद। और अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे बाद मिलते हैं आकर। ये देखिए गाइस, लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। तो इसका कलर और पानी देख सकते हैं आप। तो अब इसको हम पानी को फेंक देंगे और इसको अच्छे से धो के साफ कर लेंगे, 3-4 पानी से धुलेंगे इसको। ये देखिए गाइस, हमने पानी बिल्कुल निकाल दिया, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारे आंवले कम से कम 2 किलो हैं, ठीक है, वेट नहीं हमने किया है, बट 2 किलो आंवले हैं हमारे। तो इसमें हम चीनी जो डालेंगे 2 किलो से थोड़ी सी ज्यादा, यानी हम इसमें डालेंगे 2.5 किलो चीनी। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी जो भी अशुद्धियां हों वो निकाल दें, इसी के ऊपर से ही डालना है। वो देख सकते हैं गाइस, 2 किलो वो चीनी थी और 1/2 किलो ये चीनी, यानी इसमें हो गया है 2.5 किलो चीनी। अब हमें इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही ढक कर रख देना है। सुबह तक इसमें काफी जूस हो जाएगा। अगर आपको तुरंत बनाना है तो आप इसमें 2 ग्लास तक पानी ऐड करें और उसको पकने के लिए रख दें। बट हम सुबह बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, तो इसको हम ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, बिल्कुल कुछ टच नहीं करेंगे। सुबह तक अच्छी खासी इसमें चाशनी होगी। तो आपको हम मिलते हैं सुबह। गाइस ये देखिए, सुबह के इस समय 11 बज रहे हैं, क्योंकि गाइस बच्चों को स्कूल भेजना और भी बहुत सारे काम होते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं इसमें कितना ज्यादा चाशनी हो गई है। तो इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड करने की जरूरत नहीं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है इसके आगे। तो इसको हमें पकाना है। ये देखिए गाइस, फ्लेम ऑन करने के बाद तुरंत चला दीजिएगा, क्योंकि नीचे बैटरी होती है चीनी ना, तो वो लग सकती है तली में। तो इसको अभी छोड़ना नहीं है जब तक ये हमारे आंवले सारे चीनी पिघल नहीं जाती, ठीक है। ये देखिए, ये आपको अभी चाशनी ज्यादा लग रही होगी, मगर चाशनी बिल्कुल ज्यादा नहीं है, ये सारी एकदम पक्के एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो देखिए गाइस, इस तरह से बनाने में ना हमको ज्यादा पानी नहीं चलाना पड़ता, ज्यादा चाशनी नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि ऊपर से हम पानी डालते हैं, ठीक है, ऊपर से पानी डालेंगे और आंवलों में से पानी निकलेगा तो वो पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको हमें देर तक पकाना होता है, ठीक है। तो इसको हमें देर तक पकाना नहीं होगा, क्योंकि इसमें आंवले का ही पानी निकला हुआ है और कुछ भी स्पेशल नहीं है इस वजह से, ठीक है। इसको पकाते फिर मिलते हैं। देखिए गाइस, जब तक इसमें बॉयल एक ना आ जाए तब तक इसको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तली में चीनी बैठ जाती है, तो ये
हमारी जल सकती है। तो जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए तब तक नहीं छोड़ना है इसको। ये देखिए गाइस पकने लगा है, ठीक है। और अब इसको हम पकाएंगे, तो जितना टाइम लगेगा हम फिर बाद में बताएंगे। इसीलिए हमने देखिए इंडक्शन पर पकाया है, जिससे कि हमें इसमें मिनट का पता चलता रहे, ठीक है। तो इसको हम अब आप छोड़कर जाना चाहें तो 2-4 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, और अपना काम भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें पकने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं ऐड किया हुआ, चाशनी हमारी वैसे ही देखिए गाढ़ी गाढ़ी लग रही है, तो इस वजह से हमको बहुत टाइम नहीं लगेगा। ये देख सकते हैं गाइस हमारा बन चुके हैं आंवले, बिल्कुल देख सकते हैं, और ये पक भी गए हैं बिल्कुल पूरी तरह से। ये देखिए दबाने पे पता चल रहा है कि ये हमारे अच्छे से पक चुके हैं, ठीक है। तो अब इनको हम फ्लेम को कर देंगे बंद। और गाइस आप देख सकते हैं हमने इन्हें 20 मिनट पकाया है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं पकाया है, ठीक है। अगर आप चीनी की चाशनी बनाते हैं और अगर चीनी की चाशनी बनाते हैं आप उसके बाद में ये आंवले डालते हैं, तो आप ये ध्यान रखें चीनी की चाशनी में बनाते समय उस इस तरह से बनाएं कि काफी लंबा तार बने, ठीक है। ऐसे करने पर काफी लंबा तार बन जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब उसमें आप चाशनी में जब आप आंवला डालोगे आप, तब आंवले से पानी निकलेगा, तो उसको आपको पकाना पड़ेगा। तो इसलिए जब चीनी मतलब चाशनी में आप तार बना लेंगे, अच्छा खासा तार बन जाएगा, तो उसमें आप आंवला डाल देंगे उसका जूस छूटेगा, तो चाशनी हमारी पतली हो जाएगी, ठीक है। और इसमें ये हमने रात भर रख दिया था, तो इसमें जितना भी आंवले का जूस था सारा इन्होंने अपना निकाल दिया था, आंवले का जूस सारा निकल चुका था। इस वजह से ये जो चाशनी बनी है वो आंवले के जूस में ही बनी है। तो इस वजह से सिर्फ इसको इतना पकाना है कि इस तरह से छूने पर हमें फील हो कि ये हमारा शहद जैसा है, ठीक है। शहद जैसा आपको फील होना चाहिए कि चिकना चिकना शहद जैसा है, तो आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको ऐसे ही रख दें। और अगर बाय चांस गलती से आपकी चाशनी हो जाती है ज्यादा टाइट, ठीक है, जम जाती है, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पानी लीजिए, गर्म करिए, और गर्म करने के बाद में उसको मिला दीजिए। ठंडा पानी मत मिलाइए, गर्म पानी मिलाइएगा, तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो गाढ़ी अगर हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपकी बाय चांस ऐसा होता कि पतली रहती है चीनी, तो आप आंवला को और पका लीजिए थोड़ा सा, और पकाने के बाद में इन्हें फिर से ठंडा करके रख लीजिए। तो देखिए गाइस हमारे बन चुके हैं आंवले, ठीक है, लेकिन अभी ये खाने वाले नहीं हुए हैं, तो इनको 1 से 2 दिन बाद इनको देखेंगे कि ये कैसे हो गए। तो मिलते हैं 1 से 2 दिन बाद। देखिए गाइस आज हमने आंवले के अचार को बनाया हुआ दूसरा दिन है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइस सारे के सारे आंवले अंदर नीचे बैठ गए हैं चाशनी में, इतने टेस्टी बने हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। गाइस ये आंवले आप 1 साल तक रख कर खा सकते हैं, लंबे समय तक बिल्कुल खराब नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इसकी चाशनी जो है बराबर थिक कंसिस्टेंसी की है, थिक चाशनी है। अगर चाशनी हमारी पतली होगी तो आंवले हमारे जल्दी खराब होंगे। तो चलिए इनको सर्व करते हैं। ये देख सकते हैं गाइस कितनी गाढ़ी चाशनी है, इसी तरह से चाशनी हमारी होनी चाहिए, तभी हमारे आंवले ज्यादा समय तक अच्छे रहेंगे। ये देख सकते हैं गाइस कितने यम्मी और कितने टेस्टी लग रहे हैं हमारे, बिल्कुल छोटे छोटे रसगुल्लों की तरह, और ये सारे जूस से भरे हुए हैं, इतने टेस्टी और इतने यम्मी। गाइस आप चीनी चाहें तो जितनी मात्रा में हमने बताई थी उसकी हाफ क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, बट हमने इसलिए ज्यादा मात्रा में बताई थी क्योंकि ये हमारे साल भर रखे रहेंगे, खराब भी नहीं होंगे, तो जो गर्मियां आएंगी जब, तो हम इन्हीं इसका जो जूस बचेगा उससे हम शरबत वगैरह बनाएंगे, वो काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें आंवले का पूरा जूस है इस वजह से, ठीक है। तो आप लोग अगर थोड़ी सी चाशनी कम करना चाहें तो 1/2 kg चीनी कम भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी, मिलते हैं अगले नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।